वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2017 में आई मूवी लोगन लकी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक हाइस्ट कॉमेडी मूवी है और उसके लीड रोल में है चैनिंग टेटम और डेनियल क्रेग। मूवी की शुरुआत में हमें वेस्ट वर्जीनिया का सीन दिखाया जाता है, जहां जिमी लोगन नाम का बंदा अपनी बेटी को एक कहानी सुना रहा था। तो उसकी बेटी जिसका नाम सेडी है, वो जिमी को अपनी परफॉर्मेंस के लिए इन्वाइट करने लगती है, जिसके लिए जिमी मान जाता है कि मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस से पहले ही पहुंच जाऊंगा। वेल, जिमी एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है जो टनल्स में काम करता है। तो अपने वर्क आवर्स के बाद जिमी अपने बॉस से मिलने जाता है, जहां जिमी का बॉस उसे जॉब से निकाल देता है और कहता है कि तुम्हारी लेग सीरियसली इंजर्ड हो चुकी है, तो अब तुम हमारे लिए काम नहीं कर सकते, जिस वजह से तुम्हें निकाला जा रहा है। तो जिमी खराब मूड से अपने घर लौटने लगता है, पर उसे अपने सिस्टर मिली से पता चलता है कि उसकी बेटी सेडी की परफॉर्मेंस आज नहीं है, बल्कि उसकी परफॉर्मेंस तो एक दिन पहले ही हो चुकी है। यानी जिमी काम के चक्कर में अपना किया हुआ वादा भूल गया है। तो जिमी जल्दी से अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है, जहां उसकी एक्स वाइफ बॉबी जिमी को देखकर जरा भी खुश नहीं है, क्योंकि जिमी ने सेडी की परफॉर्मेंस मिस करके उसका दिल तोड़ा है। तभी यहां पे बॉबी का न्यू हस्बैंड आ जाता है, जो अब बॉबी और फैमिली को लेके कहीं दूर शिफ्ट होने वाला है। तो ये सुनकर जिमी बहुत दुखी है, क्योंकि अब वो अपनी बेटी से मिल भी नहीं पाएगा। तो वो बॉबी से रिक्वेस्ट करता है कि मैं सेडी को अपने साथ रखना चाहता हूँ। तो बॉबी टॉन्ट करते हुए बोलती है कि सेडी की फुल कस्टडी मेरे पास है, और वैसे भी तुम सीडी का खर्चा भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बेहतर होगा कि तुम इस बारे में ना ही सोचो। तो जिमी खराब मूड से यहाँ से निकल जाता है। रात को जिमी एक बार में जाता है ताकि वो दारू पी के अपना गम भुला सके। तो बार का ओनर, जो कि जिमी का रियल ब्रदर है, वो जिमी से पूछता है कि क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों हो। तो जिमी अपने भाई को अपनी फूटी किस्मत और लाइफ के बारे में बताने लगता है। वैसे जिमी के भाई का नाम क्लाइड है, जो कि एक वॉर वेटरन है, जिसका इराक टूर के दौरान हाथ डिस्ट्रॉय हो गया था, तो वो फेक हैंड से ही काम चलाता है। तो क्लाइड जिमी से कहता है कि सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, बल्कि पूरी लोगन फैमिली की किस्मत फूटी है, और ऐसा लगता है कि किसी ने हमारी फैमिली पे कर्ज लगा दिया है, जिससे हमारी फैमिली बर्बाद हो चुकी है। और फिर ऐसे ही इन्हें बातें करते करते काफी देर हो जाती है। तभी बार में मैक्स नाम का बंदा इंटर करता है, जो कि अपने दो दोस्तों के साथ ड्रिंक्स करने आया हुआ है। तो क्लाइड इन लोगों को ड्रिंक्स सर्व करने लगता है, वो भी अपनी फेक आर्म को बाहर निकाल के, क्योंकि ये लोग क्लाइड का मजाक मना रहे थे। तो क्लाइड शो करना चाहता है कि मैं एक ही हाथ से काम कर सकता हूँ, मगर ड्रिंक्स अच्छी बनाने के बावजूद मैक्स एंड गैंग क्लाइड का मजाक बना रहे होते हैं। तो ये सब जिमी से देखा नहीं जाता, तो वो मैक्स एंड गैंग से भिड़ जाता है ताकि वो इन ठग्स को सबक सिखा सके। इसी समय क्लाइड एक ड्रिंक्स लेकर बाहर चला जाता है, जहां वो मैक्स एंड गैंग की कार में आग लगा देता है। तो ये सब देखकर मैक्स की चटक जाती है, क्योंकि ये कार उसने लोन पे ली थी, तो अब उसकी बैंड बजने वाली है। वहीं जब जिमी बाहर आता है, तब वो क्लाइड से काली फ्लावर बोल के यहाँ से निकल जाता है, जिसे सुनकर क्लाइड काफी सीरियस हो जाता है। अगले दिन दोनों भाई काली फ्लावर पहुंच जाते हैं, जहाँ क्लाइड एक पेपर देख के काफी हैरान है, क्योंकि उसका भाई बैंक लूटना चाहता है, जिसके लिए उसने कुछ प्रिंसिपल्स लेके दीवार पे लगा दिए हैं। तो ये देखकर क्लाइड स्माइल करने लगता है और कहता है कि ब्रो, लास्ट टाइम जब तुमने मुझसे कॉलीफ्लावर कहा था, तब मुझे 6 महीने की जेल हुई थी, और ये तब की बात है जब मैं 13 साल का था। तो अब तुम मुझे किस मुसीबत में फंसाना चाहते हो मेरे भाई? अब चाहे जो भी हो, मैं कोई भी क्राइम करने वाला नहीं हूँ। तो जिमी सिर्फ इतना ही कहता है, शार्लेट मोटर स्पीडवे। तो ये सुनकर क्लाइड काफी सीरियस हो जाता है, मगर जिमी एक कार्डबोर्ड से बना हुआ सेटअप दिखा के क्लाइड से बोलता है कि ये मोटर स्पीडवे है, जिसमें पूरी साल कोई ना कोई इवेंट चलता रहता है। यानी स्पीडवे से इतना कैश फ्लो होता है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो क्लाइड टॉन्ट करता है कि स्पीडवे के पास पर्सनल पुलिस फोर्स है, जो हम जैसे ट्रबल मेकर्स को ठिकाने लगा सकती है। तो जिमी बताता है कि फिलहाल स्पीडवे एक बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। असल में स्पीडवे के नीचे एक ओल्ड पाइप फट चुका है, जिससे वाटर बाहर आ रहा है, और खास बात यह है कि स्पीडवे लैंडफिल्स पे बनाई गई है, तो पानी की वजह से स्पीडवे की फील्ड पे गड्ढे बढ़ते जा रहे हैं। तो वो लोग रिपेयर के लिए ऐसे लोगों को बुला रहे हैं जो माइंस में काम कर चुके हैं। साथ ही मैंने ये भी पता लगा लिया है कि स्पीडवे का अर्निंग वाला पैसा किस रूट से जाता है। इसके बाद हमें जिमी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें जिमी स्पीडवे के नीचे मौजूद टनल में काम कर रहा है, जहां उसे पाइप्स को रिपेयर करना था। तो जिमी को कुछ न्यू प्लास्टिक पाइप्स नजर आती हैं, तो वो एक ओल्ड एम्प्लॉय से पूछता है कि ये किस चीज की पाइप्स हैं। तो वो दूसरा बंदा जिमी को बता देता है कि ये कैश फ्लो पाइप्स हैं।
जो कि स्पीडवे के हर एक ऑफिस से कनेक्टेड है। तो जैसे ही एनफ मनी इकट्ठा हो जाता है, सभी कैश कलेक्टिंग ऑफिसर इन पाइप्स के थ्रू कैश को ट्रांसफर करने लगते हैं, जो सीधा एक वॉल्ट में जाता है। वैसे इस पाइपलाइन को कैश हाईवे कहा जाता है। वहीं प्रेजेंट में जिमी क्लाइड को बताता है कि मैंने रॉबरी का टाइम ही ढूंढ लिया है, जो कि 4 जून है, जिस दिन एक ऑटो शो होने वाला है, जिस दिन वहां पे काफी कम भीड़ होगी, साथ ही वहां पे सिक्योरिटी भी मौजूद नहीं होगी। तो ये सुनकर क्लाइड कहता है कि अगर तुमने पैसों से भरी वॉल्ट को लूटना ही है तो तुम्हें एक आदमी की हेल्प लेनी होगी, जिसका नाम है जो बैंग। और फिर ये दोनों प्रेजेंट पहुंच जाते हैं, जहां पर जो कैब है। तो जो इन भाइयों को देख के काफी सरप्राइज्ड है, क्योंकि वो इन दोनों भाइयों को पहले से जानता है। तो जिमी बिना देरी किए जो को बता देता है कि हम एक वॉल्ट को लूटना चाहते हैं, जिसके लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। तो जो कहता है कि मैं जल्द ही आजाद होने वाला हूँ और उसके बाद मैं अच्छी लाइफ जीना चाहता हूँ, तो प्लीज मुझे इस झमेले में मत फंसाओ। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, तो अब ये मुझसे नहीं होगा। यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि जो पहले एक डिमोलिशन एक्सपर्ट हुआ करता था और वो रॉबरी के इल्जाम में जेल काट रहा है। मगर काफी देर मनाने के बाद जो इन भाइयों के प्लान को सुनने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि कुछ भी करने से पहले मुझे प्रिजन से बाहर निकालो। तो लोगन ब्रदर्स कहते हैं कि हम तुम्हें दिन दहाड़े यहाँ से निकाल लेंगे और फिर काम होने के बाद तुम्हें जेल वापस पहुँचा देंगे, वो भी बिना किसी को पता चले। तो ये सुनकर जो स्माइल करने लगता है और कहता है कि इस चोरी में मेरे भाइयों को भी शामिल करो, तभी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इसके बाद हमें एक मेला दिखाया जाता है, जहां टाउन के सभी लोग मौज मस्ती कर रहे थे। तो लोगन भाई भी यहां पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो के खिसके हुए भाई फिश और सैम इसी मेले में मौजूद हैं। तो जल्द ही लोगन्स जो के भाइयों को ढूंढ लेते हैं, जहां वो जो ब्रदर्स को रॉबरी के बारे में बताने लगते हैं, साथ ही वो उन्हें रिक्रूट भी कर लेते हैं। जिसके बाद जो ब्रदर अपने भाई से मिलने पहुंच जाते हैं, जहां जो अपने भाइयों को ऑर्डर देता है कि जंगल में जाके बियर से मिलो, वो तुम्हें एक बैग दे देगा जो मेरे काम का है। तो दोनों भाई ऐसा ही करते हैं। वहीं प्लान के हिसाब से क्लाइड एक शॉप में अपनी कार को घुसा देता है, जिसे शॉप में काफी नुकसान होता है। तो एज अ रिजल्ट क्लाइड को 90 दिनों के लिए जेल हो जाती है और फिर क्लाइड को उसी प्रिजन में ले जाया जाता है, जहां जो कैब है। वहीं दूसरी तरफ जिमी एक हेल्थ केयर एक्सपर्ट से मिलने जाता है, जो कोइंसिडेंटली जिमी की हाई स्कूल क्लास में निकलती है, जिसका नाम है सिल्विया। तो सिल्विया ये जानकर काफी अपसेट है कि जिमी ने उसे देखकर पहचाना तक नहीं। शाम को जिमी की बहन मिली उसे मिलने आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर तो दूं, पर तुम्हारे पास कोई बैकअप प्लान है क्या, क्योंकि चोरी के इल्जाम में मैं जेल जाना नहीं चाहती। नेक्स्ट डे जिमी को उसका पुराना बॉस कार्ल मिलता है, जो जिमी से कहता है कि ब्रो, मैं तुम्हें जॉब से निकालना नहीं चाहता था, मुझे तो मेरे हायर अप्स ने फोर्स किया था, तो मैं मजबूर था। वैसे बातों ही बातों में जिमी को पता चलता है कि स्पीडवे का अंडर कंस्ट्रक्शन टाइम से पहले ही पूरा होने वाला है, यानी अब टीम को अपना प्लान चेंज करना होगा, जिसके लिए उन्हें अब अपनी चोरी समय से एक हफ्ते पहले करनी होगी, वो भी मेमोरियल डे वाले दिन। तो मिली जिमी से कहती है कि मेमोरियल डे वाले दिन साल की सबसे बड़ी रेस होने वाली है, तो उस दिन चोरी करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, तुम हम सभी को मरवा के रहोगे। इसके बाद हमें ग्लीमा नाम की लेडी दिखाई जाती है, जिसे जो ब्रदर्स एक पार्सल देते हैं। तो ग्लीमा चेक करती है कि पार्सल में तो एक केक है, तो वो बिना सोचे अपने दोस्तों से केक शेयर करने चली जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ग्लीमा तो वॉल्ट में काम करती है, जिस वॉल्ट में टीम चोरी करने वाली है। रात को जिमी टनल्स में जाके कैश वाली पाइपलाइन में कुछ कॉकरोच छोड़ देता है, जो पाइप्स के थ्रू वॉल्ट में पहुंच जाते हैं। तो जब अगले दिन एम्प्लॉय काम करने आते हैं, तो वो देखते हैं कि उनके बचे हुए केक पे तो कॉकरोचेस लगे हुए हैं, जिसको साफ करवाने के लिए पेस्ट कंट्रोल को बुलाया जाता है, जो कि जो के भाई थे। वेल, ये सब टीम ने वॉल्ट तक पहुंच के उसे मेजर करने के लिए किया था। तो ये लोग मेजरमेंट करने के बाद जिमी को सारी डिटेल्स बता देते हैं। इसके बाद जल्द ही रेस वाला दिन आ जाता है, जिस दिन रोजाना की तरह सभी कैदी काम पे लग जाते हैं और फिर लंच के दौरान जो ड्रामा करने लगता है, तो गार्ड्स उसे बाकियों से अलग कर देते हैं ताकि जो का इलाज किया जा सके। तो जो और क्लाइड नर्स को चकमा देके वॉशरूम तक पहुंच जाते हैं, जहां से ये लोग एक सीक्रेट ओपनिंग खोल के बाहर निकल जाते हैं और यहां से ये लोग एक वैन के नीचे लटक के बाहर निकल जाते हैं। वहीं स्पीडवे पे रेस की सभी तैयारियां हो चुकी थीं और अब बस रेस चालू होना बाकी था। वहीं प्रिजन में कैदी लड़ाई करने लगते हैं, जिसकी वजह से काफी हंगामा होने लगता है। तो प्रिजन का वार्डन प्रिजन में लॉकडाउन करवा देता है। वेल, ये लड़ाई जो ने ही करवाई थी, उसी ने कैदियों को हंगामा करने के लिए
पैसे दिए थे, वहीं जो और क्लाइड को रिसीव करने के लिए मिली पहुंच गई थी। जो इन दोनों को लेके स्पीडवे की तरफ जाने लगती है, वहीं दूसरी तरफ रेस से पहले बैटिंग चालू हो जाती है, तो बैटिंग से आए पैसों को पाइप्स के थ्रू वॉल्ट में ट्रांसफर किया जाने लगता है, जिससे कि वॉल्ट में काफी सारा कैश इकट्ठा हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ प्रिजन में कैदियों ने 3 गार्ड्स को हॉस्टेज बना लिया था, तो वार्डन को कैदियों से नेगोशिएट करना पड़ता है। पर इन लोगों को जो ने घूस दे रखी थी, तो ये लोग वार्डन की एक भी नहीं सुनते। वहीं दूसरी तरफ ट्रैक पे कार रेस चालू हो चुकी थी, जिसे लोग काफी एंजॉय करने लगते हैं। और इसी समय जो और क्लाइड सर्विस टनल के थ्रू अंदर जाने लगते हैं, जहां उन्हें जिमी भी मिल जाता है, जो जो को उसका सामान देते हुए बोलता है कि चलो काम पे लग जाओ। तो जो कुछ चीजों को मिला के होममेड बॉम्ब बनाने लगता है, जिसे वो एक ट्यूब में डाल के कैश हाईवे में डाल देता है, जिसे जो का बॉम्ब वाला ट्यूब वॉल्ट तक पहुंच जाता है। और उससे वॉल्ट में एक छोटा सा धमाका होता है, जिससे वॉल्ट में धुआं धुआं होने लगता है, और फिर जल्द ही कैश पाइप से धुआं लौट कर उसी जगह तक पहुंच जाता है जहां कैश कलेक्टर पैसों को पाइप्स के थ्रू भेज रहे थे। तो धुएं को देखकर ये लोग अलर्ट हो जाते हैं, जिसके बाद ये लोग सिक्योरिटी को अलर्ट कर देते हैं। तो सिक्योरिटी चीफ जल्दी से चेकिंग के लिए 2 गार्ड्स को भेज देता है। वहीं जिमी की टीम एक पाइप लगा के वॉल्ट का सारा पैसा सक कर रहे थे, जिससे इनके पास खूब सारा पैसा आने लगता है। पर हड़बड़ाहट में जो से वैक्यूम का पाइप हिल जाता है, जिससे वैक्यूम क्लाइड के फेक आर्म को सक कर लेता है और इससे इनका काम रुक जाता है। तो अब क्लाइड जल्दी से अपनी आर्म को रिकवर करना चाहता है, पर बाकी टीम अपनी चोरी को कंटिन्यू करना चाहती है। तो इन लोगों के बीच में बहस चालू हो जाती है, मगर जिमी जैसे तैसे करके मैटर को शांत करा देता है, जिसके बाद ये लोग अपनी हाइस्ट को फिर से चालू कर देते हैं। और फिर वो सारे पैसों को कचरे के बैग में भर के बाहर जाने लगते हैं, पर इन्हें 2 गार्ड्स रोक लेते हैं, पर जो के भाई गार्ड्स को बेवकूफ बना के यहाँ से निकल जाते हैं। वहीं बाकी टीम अभी भी पैसों को चुराने में लगी हुई थी, तो ये लोग अपनी चोरी पूरी करके बाहर निकल जाते हैं, जिसमें मिली जो और क्लाइड को प्रिजन ले जाते हैं, जहाँ कैदियों ने प्रिजन को अंदर से बंद कर रखा था। तो वार्डन और पुलिस को अभी तक अंदाजा नहीं था कि उनके प्रिजन में से 2 कैदी गायब हैं, और फिर कैदी सेंसर के ऊपर आग जलाने लगते हैं, जिससे फायर अलार्म बज जाता है। तो फायर फाइटर अपनी गाड़ियां लेके प्रिजन आने लगते हैं, तो मौके का फायदा उठाकर क्लाइड और जो भी इन फायर फाइटर्स में घुल मिल के प्रिजन में पहुंच जाते हैं, जहां से वो लोग सीक्रेट रास्ते से अंदर पहुंच जाते हैं। और यही हाल बाकियों का भी होता है, वो लोग भी सेफली घर पहुंच जाते हैं, यानी उनकी चोरी कामयाब रही। पर अगले दिन टीवी पे न्यूज आती है कि स्पीडवे की वॉल्ट से एक बड़ी चोरी हुई थी, पर अथॉरिटीज को चोरी किया गया सारा पैसा वापस मिल चुका है। तो ये देखकर मिली काफी अपसेट है कि उसके भाई ने डर के पैसा वापस कर दिया है। वेल, चोरी वाली रात जिमी ने पैसों से भरा ट्रक एक ऑयल स्टेशन पे छोड़ दिया था, जिसके बाद उसने पुलिस को एक एनोनिमस टिप दे दी थी। तो अब मिली को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसके भाई ने फिर चोरी क्यों की थी। वहीं दूसरी तरफ वॉल्ट से हुई रॉबरी वाली केस को सॉल्व करने का काम FBI एजेंट सेहरा को मिलता है। तो एजेंट सेहरा पूरी वॉल्ट और कैश हाईवेज का, यानी कि पाइपलाइंस का जायजा लेने लगती है, पर उसे कुछ खास क्लूज नहीं मिलते। पर तभी एक एजेंट सेहरा से कहता है कि एक आई विटनेस है जिसने चोरों को देखा है। तो ये लोग विटनेस से मिले चले जाते हैं, जो कि और कोई नहीं मैक्स है, जिसकी कार लोगन भाइयों ने फूंकी थी। वेल, जब टीम टनल से बाहर आ रही थी, तो उन्हें मैक्स ने देख लिया था, पर क्लाइड और जो मैक्स को पीट के वहां से निकल गए। तो मैक्स बिना श्योरिटी के चोरी का इल्जाम क्लाइड और जो के सर लगाना चाहता है। इसके बाद एजेंट सेहरा प्रिजन के वार्डन से मिलने जाती है, जहां वो पूछती है कि रॉबरी वाले दिन प्रिजन में कोई हंगामा हुआ था क्या। पर वार्डन इस बारे में बात करना नहीं चाहता, क्योंकि अगर ये बात बाहर फैल गई कि प्रिजन में कैदियों ने हंगामा किया था, जिसका वार्डन के पास कोई इलाज नहीं था, तो वार्डन की जॉब खतरे में पड़ सकती है। तो कोई भी क्लू और एविडेंस न मिलने पे एजेंट सेहरा यहाँ से वापस चली जाती है, और फिर जल्द ही ये केस बंद कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो अपनी जेल कार्ड के बाहर आ जाता है, और यही हाल क्लाइड का भी होता है, पर उन्हें काफी ढूंढने पे भी जिमी कहीं भी नहीं मिलता। वैसे अब क्लाइड के पास एडवांस रोबोटिक आर्म है, जो उसे किसी ने गिफ्ट किया है। वेल, ऑब्वियसली ये काम जिमी का है। ऐसे ही एक दिन जो अपने यार्ड में खुदाई कर रहा था, तब जो को वहाँ पे एक गार्बेज बैग मिलता है, तो जो समझ जाता है कि ये काम जिमी का है। वहीं एक दिन एजेंट सेहरा स्पीडवे के मालिक से मिलने जाती है, तो उसे पता चलता है कि ओनर को असल में पता ही नहीं है कि वॉल्ट से कितना पैसा चोरी हुआ था। उसने तो बस अपना नाम बचाने के लिए
न्यूज छपवाई थी कि चोरी हुई सारे पैसे वापस मिल चुके हैं। इसके बाद हमें चोरी वाले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां जो अपने भाइयों को ढूंढने गया था, तब लोगन भाइयों और मिली ने मिलके कुछ और पैसों के बैग्स भर लिए थे जिन्हें उन्होंने गार्बेज बैग में भर दिया था, जिसे अगले दिन एज अ गार्बेज डंप कर दिया गया। तो ये लोग डंपिंग साइट जाके पैसों वाले बैग बाहर निकाल लेते हैं और अब ये लोग अमीर हो चुके हैं। ऑब्वियसली लोगन भाइयों ने जो ब्रदर्स का यूज किया था, साथ ही उन्होंने आधा पैसा लौटा के केस को रफा दफा भी करवा दिया है। वहीं दूसरी तरफ जिमी साउथ ही शिफ्ट हो गया है ताकि वो रोजाना अपनी बेटी से मिल सके, और अब तो जिमी ने न्यू गर्लफ्रेंड भी बना ली है जो कि और कोई नहीं सिल्विया है, और यही हाल जो का भी है जिसने अब मिली को पटा लिया है। लास्ट में हम देखते हैं कि एजेंट सैरा अभी भी लोगन फैमिली को इन्वेस्टिगेट कर रही है, और इसी के साथ ये शानदार मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।